हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज के टारगेट क्या होने चाहिए सो दैट आप साइंस में 100 आउट 100 स्कोर कर सको। अब ये ना पूरा का साइंस के बारे में बात हो रहा है। ओके, सो डिस्कस करते हैं पहले कि साइंस के 15 डेज में आप लोगों को क्या करना है। अब देखो कुछ पैटर्न के बारे में बात करेंगे पहले। ओके, सबसे पहले विल स्टार्ट विद वन शॉट रिविजन्स। अब वन शॉट रिविजन के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों, वन शॉट आप लेक्चर्स देख के ही करोगे तो ज्यादा सही होगा। तो जितना ज्यादा हो सकता है बच्चों आप लोगों को वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं, जो भी आपके प्रेफर्ड टीचर जिससे आपने पूरे साल पढ़ा है, राइट है, उनके वन शॉट वीडियोस देखना है आप लोगों को और रिवीजन करना है। ओके, एक चैप्टर का रिवीजन करते समय हमेशा याद रख लेना है कि एक चैप्टर के लिए रिवाइज करके तुरंत ही उसका पीवाईक्यू सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। अब ये 15 डेज को डिवाइड कैसे करेंगे, देखो फिजिक्स के लिए आप लोग 2 दिन ले सकते हो, तो फिजिक्स के लिए आपने 2 डेज लिया जिसमें आप वन शॉट भी कर रहे हो चैप्टर का और पीवाईक्यू भी कर रहे हो, एक दिन में 2 चैप्टर। ओके, एक दिन में 2 चैप्टर, तो 1 day 2 chapters, राइट है। सिमिलरली सेकेंड डे जो होगा, फर्स्ट डे पे हो गए 2 चैप्टर्स, सेकेंड डे पे भी हो जाएगा 2 चैप्टर्स। हमेशा याद रखना, मैं एक हमेशा आप लोगों को ट्रिक बताता हूं, मेजर प्लस माइनर करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट वाला जो पार्ट है, आपने पहले लाइट कंप्लीट किया एक बड़ा चैप्टर, उसके साथ में आपने ह्यूमन आई कवर किया एक छोटा चैप्टर, तो एक छोटा और एक बड़ा चैप्टर, ओके, मेजर माइनर साथ में कवर करो। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में आपको करना है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। सो ऐसे आप करोगे तो आपका 2 डेज यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा फिजिक्स में, राइट। तो फिजिक्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब देखो सेकेंड जो पार्ट आता है, ओके, वो होगा आपका केमिस्ट्री, सिमिलरली बायोलॉजी, राइट। तो हम लोग केमिस्ट्री के बारे में भी सेम बात करते हैं, तो हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं, इसके लिए भी 2 डेज लेंगे, राइट। इसमें भी 4 चैप्टर्स है, फिर यू विल डिवाइडेड टू 1 day and 2 days, ओके। तो इसमें भी मेजर माइनर, जैसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन विद एसिड बेस एंड सॉल्ट आप कर सकते हो, ओके। तो केमिकल रिएक्शन एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट कर सकते हो, सिमिलरली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होगा विद कार्बन कर सकते हो आप लोग, कार्बन बड़ा चैप्टर होता है, मेटल्स नॉन मेटल्स छोटा चैप्टर है। सिमिलरली बायोलॉजी के साथ भी जा सकते हो आप लोग, बायोलॉजी को भी 2 दिन में कवर करना है, 2 डेज इसको भी देना है, डेडिकेट करना है, वन शॉट रिविजन्स प्लस पीवाईक्यू, ओके। इसके लिए भी आप लोग 2 डेज दोगे बच्चों, एक मेजर एक माइनर, ओके। अब इसके इस केस में अगर लाइफ प्रोसेस देख लो, एनसीएनसी देख लो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक मेजर माइनर हो गया। सिमिलरली रिप्रोडक्शन, ओके, प्लस आप कर सकते हो हेरिडिटी, बिकॉज एवोल्यूशन तो नहीं है, तो ये छोटा चैप्टर है, तो आपका हेरिडिटी भी हो गया, राइट है। तो यहां से आपके 6 डेज कंप्लीट होते हैं, कितने डेज कंप्लीट होते हैं बच्चों, 6 डेज कंप्लीट होते हैं, तो 15 से यहीं पे चले जाएंगे आपके, ओके। इसके बाद में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस इसका, Q&A का। अब देखो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जो सेकंड सेक्शन है आपका दैट वुड बी Q&A। अब क्वेश्चन से सॉल्व करते समय आपको क्या ध्यान देना है, उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। Q&A में, ओके, आप लोगों को इसको डिफरेंट पैटर्न में चलाना होता है, ओके। जैसे आप लोग इसको NCERT कर सकते हो, राइट, NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। इसके Q&A कंप्लीट करना है पहले, ओके। एट द सेम टाइम आपको एग्जाम्पलर भी करना है, तो एग्जाम्पलर जब करोगे बच्चों तो आपका ओवरऑल पैकेज कंप्लीट होता है, राइट। इसमें PYQs वगैरह करने की जरूरत पड़ती नहीं है आप लोगों को यूजुअली, ठीक है। अब NCERT करते समय आप लोग याद रख लेना, इसको भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तरफ लेके जाना पड़ता है। अब देखो यहां पे आप फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को 1-1 day दोगे, 1 day फिजिक्स के लिए, 1 day बायोलॉजी के लिए, एंड सिमिलरली 1 day आपके केमिस्ट्री के लिए भी जाएगा। अब 1-1 day दोगे मतलब टोटल 3 डेज यहां से आप लोगों के निकल जाते हैं। सिमिलरली एग्जाम्पलर के लिए भी सेम आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, आपको PCB अलग से रखना है, एक दिन में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट है। Q&A करते समय, बिकॉज आपने वन शॉट ऑलरेडी कर रखा है तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा एक दिन में एक चीज कवर करने के लिए, तो यहां से भी आपके 3 डेज निकल जाएंगे, 1-1 day फॉर ईच ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। तो साइंस को तोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दिन में सब तो नहीं कर सकते, साइंस को तोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप अच्छे से देखो यहाँ पे, ओके, वॉट यू कैन ऑब्जर्व इज यहाँ से 3 डेज है आपके, यहाँ पे 3 डेज है, ओके। इसके बाद में आपको एक करना होता है बच्चों, ये हो गया आपके 6 डेज यहाँ से भी, ये 2 सेक्शन हम लोगों ने बात कर लिया, 12 डेज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, लास्ट के जो 3 डेज बचते हैं, ओके, बहुत क्रूशियल होते हैं बच्चों तीनों अलग अलग टॉपिक के लिए। देखो सिंपल है इसको सॉल्व करना, पहला आप लोग एक दिन डेडिकेट करोगे 1 day फॉर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स एट द सेम टाइम, सेकेंड डे जो होगा इसमें सभी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। अगर आप चाहते हो कि इसका एक छोटा सा वीडियो बना के मैं दे दूं कौन से केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट में लिख देना। एंड तीसरा, थर्ड डे,
ओके, जो होगा आपका थर्ड होगा, तीन दिन मत कंसिडर कर लेना, सेकेंड एंड फर्स्ट, ठीक है। थर्ड डे होगा बायोलॉजी के, बायोलॉजी के आईएमपी डायग्राम्स विथ फंक्शंस, विथ फंक्शंस। तो अगर आप देखो ना आपका 15 डेज का प्लान कैसे बना, एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो इसके प्लानिंग में हम लोगों ने यह किया कि आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब देखो डिस्कशन में अगर आप देखो, हम लोगों ने ना त्रि-त्रि का पेयर बनाया, पहले तीन दिन डेडिकेट अलग जगह पे, फिर तीन दिन डेडिकेट अलग जगह पे, फिर तीन दिन डेडिकेटेड अलग जगह पे, एंड फिर ये तीन दिन इसको इसके साथ में लेते हैं डेडिकेटेड अलग जगह पे, लास्ट के तीन दिन जो है डिफरेंट प्रिपरेशन के लिए होगा। तो देखो आपको ना पैटर्न फॉलो करना और कंसिस्टेंट होना है इस पे। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो इसे फॉलो करने में तो नहीं हो पाएगा, राइट है। तो देखो इसे आप लोग ऐसे पेयर्स में कर सकते हो कि आपने वन शॉट लिया पहले, ओके, यहाँ पे टू डेज, 6 डेज यहाँ पे हो गया आप लोगों का, राइट है। उसके बाद में आपका यहाँ पे वन शॉट और यहाँ पे वन शॉट कंप्लीट होता है, तो इस पूरे सेक्शन में आपका हो गया वन शॉट कंप्लीट, राइट है, ओके। उसके बाद में यू स्टार्टेड विद Q&A, तो Q&A यहाँ पर और यहाँ पर आप लोग Q&A करोगे। उसके बाद में लास्ट में होगा बच्चों ब्रशअप करना विद न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाला कंप्लीट करोगे। तो ये होता है आपका 15 डेज का प्लान, ठीक है। इसे प्लान कंसिडर करो या फिर टारगेट कंसिडर करो, आपकी मर्जी, बट करना तो है ये, राइट है। अगर 100 out of 100 लाना है तो बच्चा थोड़ा सा एनर्जी खुद से दिखाना पड़ेगा, तब जाके आएगा। 80 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे आपके एक्सटर्नल से, ओके, एंड 20 आप लोगों को टीचर से आपके इंटरनल से लेना है। चलो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो लाइक कर देना, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।